बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने कांग्रेस पर तंज कसा है और क्या कुछ कर भी आपको बताएंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सियासी डार पर उन्होंने कहा है और कहा कि कांग्रेस ने कभी सहयोगियों को सम्मान नहीं दिया। गठबंधन में अपने मित्रों को सम्मान देना चाहिए, कमलनाथ को अखिलेश से माफी मांगनी चाहिए। तो आपको बता दें कि अखिलेश और कमलनाथ के बीच जिस तरह से जुबानी जंग यहां पर देखी गई थी, जो बयान उनके दोनों के ही सामने आए थे, उसके बाद अब कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधते हुए कहा है कि गठबंधन में मित्रों को सम्मान देना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान, कमलनाथ को अखिलेश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि कमलनाथ ने एक सवाल पर कहा था कि अखिलेश वखिलेश को जाने दीजिए और उसके बाद फिर अखिलेश ने भी उन पर पलटवार किया था। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया है, सपा कांग्रेस के सियासी रार पर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं दिया है। कांग्रेस ने कभी भी अपने सहयोगियों को सम्मान नहीं दिया और अपने लिए सम्मान के लिए हमेशा बात की है। वास्तव में गठबंधन में अपने मित्रों को सम्मान देना चाहिए, पर कमलनाथ जी का ये बयान कि कौन अखिलेश वखिलेश, इस प्रकार का बयान शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि उन्हें इस बात के लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए अखिलेश।